तो हम बिन चावल रहे माइनस हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे गांव में तो कोई बूथ कमेटी है नहीं, हमारे वार्ड में कोई बूथ कमेटी है नहीं, गांव की कमेटी है नहीं, हमें तो वोट देने के लिए कोई बुलाता ही नहीं। अब कोई बुलाए तो हम जाए वोट लेने वोटर्स पार्टी को, वोटर्स पार्टी का आदमी वोट के दिन तो हमारे घर में आता ही नहीं, कोई कमेटी का आदमी नहीं आता और कहता हम चलो वोट दे दे। एक आदमी थे ट्रेन में जा रहे, ट्रेन खड़ी हो गई, स्टेशन खड़ी हो गई तो घूमने लगे वो उतर गए प्लेटफार्म पे, और एक कुर्सी थी बैठने की बेंच, उसी कुर्सी पे बैठ प्लेटफार्म पे बैठ गए और ट्रेन चलने लगे। तो उनके पास जो बैठा था आदमी वो देख रहा है मेरे बगल में बैठे थे सामान तो ट्रेन में ही है उतरे भी नहीं, अब जब वो नीचे बैठे हैं ट्रेन जाए, तो उसने खिड़की से बोला अरे भाई साहब भाई साहब वो ट्रेन जाएंगे ट्रेन जाएंगे, आप आए नहीं ट्रेन में। तो क्या आपने मालूम अरे हम क्या आए हमें तो किसी ने कहा ही नहीं, तो कहा ही नहीं तो ट्रेन चली जाएगी सामान भी चली जाएगा प्लेटफार्म पर बैठे रहेंगे, क्योंकि कोई कहे कि भाई हम ट्रेन चल रही आई है तब चले नहीं तो बैठते रहे। ऐसा आप पहले हो रहा, अगर आप जानते हो कि वोटर्स पार्टी है इलेक्शन लड़ रही है गैस सिलेंडर उसका चुनाव निशान है, जो भी चुनाव निशान मिला है आपके पास फोन नंबर है हेल्पलाइन का नंबर है पूछ लीजिए कि क्या चुनाव निशान मिला है और वो पूछ करके जाके वोट दीजिए, पड़ोस पड़ोस को लोगों को ले जाइए। कमेटी का इंतजार क्यों कर रहे हैं, कमेटी के लोग आए हाथ पकड़े और लेके जाए वोट दिलवाए वापस लाए छोड़े। ये तो वही स्टेशन वाले आदमी के हाल हो गए कि जब तक ट्रेन में चढ़ाओ नहीं वो तो नीचे बैठ जाए, अब ट्रेन चली जाए इलेक्शन की ट्रेन चली जाएगी आपका इंतजार नहीं करें, फिर पांच साल बाद आएगी ट्रेन अगर बैठे रहे। कुछ लोग कहते हैं जी मेरे साथ धोखा हो क्या होगा, उन्होंने कहा कोई आदमी आया हमें मेंबर बनाने मेंबर बना लिया क्या हुआ, मेंबर बन जाओगे तो अगले महीने से 8,000 रुपए मिलने चालू हो जाएंगे और मेंबर ना बनोगे तो अगले महीने से 8,000 मिलेंगे नहीं, मेंबर बनो। हम तो जिन मेंबर बन गए थे हमें तो 8,000 रुपए मिले, हमें तो धोखा हो गया चुनिंग हो गई हमारे साथ धोखा हो गया इसलिए हम वोट देने क्यों जाए। भाई अब तो ट्रेनिंग आ गया आपको भी बात आ गया, ये अधिकार है ना लोग दोगे तो और भी बढ़ जाएगा, लड़ाई तो चालू है। अब जो आदमी आपके पास गया जिसने ये बात किया वो गलत है, पार्टी को गलत नहीं है, हम 3 दिन की ट्रेनिंग में कभी बताए अगले महीने में समझ जाए बोलेगा नहीं बोलेगा, पार्टी का जो मेन आदमी है वो तो गलत नहीं होगा। अब गांव में कोई आदमी जाके गलत बोल दिया तो उसकी सजा पार्टी को होगी, गलती कोई करे सजा कोई होते ऐसा होना चाहिएगा। देखो गांव में जाते हैं कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं, मैंने एक आदमी को बुलाया हमने कहा तुमने जाके बोला कि अगर मेंबर नहीं बनोगे तो 8,000 नहीं मिलेगा और अगले महीने से मिलेगा 8,000 बोला, बोला जी हाँ माफ कर दीजिए माफ बोला, हम कहे क्यों बोला गलत बात क्यों बोला, तो दर्शक क्या जवाब दिया बोला कि सर अगर पागल को कह रहे कि चलो हॉस्पिटल में तुम्हारा इलाज कराएंगे तो जाएगा नहीं, वो कहेगा पागल क्यों करा तेरी मां पागल तो थोड़ी है, पागल अपने आप को कभी पागल नहीं मानता, इसलिए हम उसको कहते हैं कि मेंबर बनो 8,000 मिलेगा और कैसे मिलेगा ट्रेनिंग में जाओ। अब जब ट्रेनिंग आते हैं तो ये तो हॉस्पिटल है यहां जितना बुरा खराब होता है सब ठीक हो जाता है ठीक होने चले जाते हैं, अब ये आएंगे ही नहीं अगर हम नहीं बोलेंगे तो आएंगे नहीं बोलेंगे, आप उसके बात कर ले बस को जवाब दे। ये समाज ऐसे ही है, प्रधानमंत्री ने कह दिया 15 लाख सबके खाते में डालू बस में जवाब कर बोल दे दिया और आज 15 लाख आ रहा है।
तो खेती करते थे आप दुकान खोल रहे जो दादा दादी किए थे वही आप करोगे क्या? बाकी जैसे हर चीज बदल दिया वैसे पार्टी भी बदल। पार्टी को दादा दादी ने दलाल पार्टी को दिया था, उन्हें मालूम नहीं था कि ये पार्टियां दलाल पार्टियां केवल नेताओं के लिए काम करती हैं, बुजुर्गों के लिए काम नहीं करती, ये उनको पता नहीं था इसलिए वोट दिया। आपको तो मालूम हो गया कि ये दलाल पार्टियां जनता के लिए नहीं होती, ये नेताओं के लिए होती है, नेताओं के लिए काम करती है, जनता पर महंगाई बढ़ाती है, उनकी जेब से पैसा लूट के अरबपतियों की जेब में डालती है, दलाल पार्टियां ये काम करती है। ये आपके दादा दादी को नहीं मालूम था, आपको तो मालूम है ना, आपको पता चल गया तो आप वोटरों की पार्टी को वोट दो, दलाल पार्टी को वोट क्यों दो? कुछ लोग क्या कहते हैं कि वोट तो हम दे देते लेकिन जो चुनाव में खड़ा है वोटर पार्टी वाला वो मेरे गांव में आए, कचहरी में आपकी तारीख पड़ी है मुकदमे में भी, अब आप इसलिए नहीं जाके तारीख खड़े हो गए क्योंकि वकील तो आपके गांव में आपके घर बुलाने आए, अब वकील बुलाने नहीं आएगा तो आप तारीख नहीं जाओगे, कचहरी नहीं जाओ, ये काम होगी ना क्या है? सोचने की बात, कैसे भोले लोग रहते कुछ बार दिन चुनाव प्रचार के लिए 12 दिन में 100 गांव कैसे चला रहा है? और अगर आप वोट नहीं दोगे तो नुकसान प्रत्याशी का करोगे अपना करोगे? अपना करोगे सब तो आओगे चाहिए, ऐसे भोले लोग कहते हैं प्रत्याशी तो आए। अभी उत्तर प्रदेश में काम नहीं करा, पिछले 15 साल जुड़े हैं मिशन, और जब एक आदमी काम हुआ गाँव वालों को काम दिया कहीं गाँव वाले छोड़ देना चाहते थे, प्रत्याशी तो गाँव में आए, ऐसे भोले लोग। कुछ लोग क्या कहते हैं कि वोट तो हम देना चाहते हैं टेलीविजन में तो पार्टी दिखाई नहीं पड़ती, टेलीविजन चालू करते हैं उसमें दिखते हैं, दीवार पर देखते हैं वहां दिखते हैं, होर्डिंग देखते हैं वहां पार्टी दिखती नहीं है, अखबार में देखते हैं वहां पार्टी दिखती नहीं है, यहां देखो पार्टी दिख रही नहीं, यहां भी देखो ये भी पार्टी है, रैली में देखो रैलियां में लाखों लाख आदमी आते हैं दिखती कि नहीं, अब ना देखो तो क्या करें, होर्डिंग में टेलीविजन में अखबार में पैसा देना पड़ता है रिश्वत तब दिखती है पार्टी, करोड़ों रुपया देना पड़ेगा तब अखबार में टीवी चैनल में खबर आएगी, टीवी में देखोगे तभी पार्टी को वोट दोगे, आप कचहरी में कोर्ट में तब जाके खड़े होगे जब टेलीविजन में विज्ञापन आए कि भाई रविंद्रनाथ जी का कल तारीख है और रविंद्रनाथ जी तारीख पे हाजिर होगा, टेलीविजन आएगा खबर आएगी तब जाके मुकदमे की तारीख खड़े होगे, ये क्या पागल हो गए? कुछ लोग क्या कहते हैं जी हम वोटर्स पार्टी को वोट दे देंगे ना जो सरकार की सुविधा मिल रही है वो बंद हो जाए, बंद हो जाए क्या? अगर आप वोट दिए कि नहीं दिए जाने दो, वोट तो बढ़नी होती है ना किसी को, कहते हैं कंबल मिल रहा था नहीं मिलेगा, राशन मिल रहा था नहीं मिलेगा, कौन कहता है नहीं मिलेगा, बंद हो जाए तो हमें बताओ सरकारी अधिकारी की नौकरी खत्म करा, नौकरी खत्म हो जाए, नेता थोड़ी देता है सरकारी सुविधा, सरकारी कर्मचारी देते हैं, सरकारी कर्मचारी की नौकरी चली जाएगी, नौकरी खाली देखिए दोनों से कि आपका राशन काट दिया, आपका नल काट दी, आपका कंबल काट दिया, आपकी मच्छरदानी नहीं दिया, कोई सरकारी सुविधा अगर काट दी तो पार्टी को खबर करो सरकारी नौकर की सरकारी नौकरी दी है कि हम तो वोट दे देंगे तो सरकारी सुविधा ये दलालों बंद करा देंगे, ये गलत आशंका है, ये डर पूरी तरह से गलत है। कुछ लोग क्या कहते हैं अजी अगर हम वोटर्स पार्टी को वोट दे देंगे तो गांव के मुखिया को पता चल जाए, अब गांव के मुखिया को पता चलेगा और बुरा को पता चलेगा फिर हमारा बड़ा नुकसान हो जाए। अच्छा पता कैसे चलेगा गांव बुरा को, वहां क्या गांव बुरा खराब होगा कुछ वोट दे दो देखता है, क्यों डर रहे हो जाके वोट दो धड़ल्ले से वोट दो, कोई देखता नहीं है ना गांव बुरा देखेगा ना गांव का आदमी देखेगा ना दलाल पार्टी के नेता देखेगा, कोई नहीं देखता जाके वोट दो डरो मत। कुछ लोग कहते हैं कि दलाल पार्टियों के गुंडे हैं परेशान करेंगे, अगर दलाल पार्टियों के गुंडे हैं एक कंप्लेंट करो गुंडे को अंदर पकड़ा दो, पार्टी की लीगल सेल काम कर रही है बारीक चप्पे चप्पे को नजर रखती है, एक गुंडा बदमाशी करे और बच के रह जाए, देख रहे हैं
सुविधा है उसको, कोई गुंडा परेशान नहीं करेगा। अगर गुंडा परेशान करेगा तो जेल में होगा, पार्टी हो, पार्टी चला दे तो हिम्मत है तो पार्टी चला दे, ऐसे कोई सुविधा थोड़ी मैं करके पार्टी चला, ऐसे थोड़ी करके। तो देखो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को 5 साल बनाया मुख्यमंत्री रहते हुए, मुख्यमंत्री जेल जाते जाते रोज दंग के अभी मैं उसके गर्दन पर तलवार रखी है। मुख्यमंत्री को हम नहीं छोड़ते, दो करोड़ के गुंडे की औकात क्या हो गई है। मुख्यमंत्री मुझे निर्माण मुख्यमंत्री चिन्ह डरने की कोई बात नहीं भाई। कुछ लोग कहते हैं कि जी पार्टी का आप कैसे वोट दे, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है उसने गाड़ी को भेजे बोले भेजेगा प्रत्याशी विचार तब चुनाव प्रचार में जाएगा, आपका वकील आपको बोले भेजेगा तब आप गाड़ी को जाए मुकदमा आपका, अब वकील बोले भेजेगा कि मुवक्किल गाड़ी में बोले बैठ के आएगा कहा कोर्ट में खड़ा होने के, पागल हो गया ये कोई बात नहीं। प्रत्याशी कोई चीज है, अरे प्रत्याशी तो पार्टी का खड़ा हुआ एक आदमी है, असली तो पार्टी चुनाव लड़ रही है, तुम्हारा भविष्य है, अगर तुम ना वोट दोगे तो जिंदगी तुम्हारी बर्बाद होगी, प्रत्याशी की जिंदगी बर्बाद ना हो। और क्या कहते हैं, कहते जी वोट तो हम दे देते लेकिन हमारा प्रत्याशी ना बड़ा गरीब सा है, गाल पिचके हुए और साइकिल में चलता है, बस में चलता है, तो क्या हेलीकॉप्टर सवाल पार्टी को मिलेगा हेलीकॉप्टर वाला, गरीब गरीब को वोट नहीं देगा तो क्या गरीब अमीर को वोट देगा, अगर अमीर को वोट दोगे तो अमीर जैसे मुर्गे की तरह काट रहा था आगे भी काटेगा, गरीब को वोट देना सीखना पड़ेगा, गरीब पड़ेगा। साइकिल वाले को वोट दे, मोटरसाइकिल वाले मोटरसाइकिल वाले को दे और कार वाले कार को दे, कार वाले को साइकिल वाले वोट ना, तो आपने तब क्रांति आई। अमीर आदमी को वोट दे, प्रत्याशी अमीर नहीं है, प्रत्याशी हेलीकॉप्टर से नहीं आया, पागल हो गए हो, तुम्हारा वकील हेलीकॉप्टर से आएगा तब तुम जाओगे कचहरी में, तब बैठे हेलीकॉप्टर से हमारा वकील नहीं आया इसलिए हम कचहरी नहीं गए, तो वारंट निकल गया गिरफ्तार हो गए थे, वकील हेलीकॉप्टर से आया। यही दिमाग खराब है, ये जनता की दुर्दशा हो रही, ये दिमाग खराब, ये नेताओं ने खराब किया, नेताओं ने पागल बनाया जनता। फिर क्या कहेंगे, अजी अगर हम वोटर्स पार्टी को वोट दे देंगे तो मेरी जाति का आदमी हार जाएगा, मेरा रिश्तेदार हार जाएगा, अगर जाति का आदमी जीत जाएगा तो तुम्हारे घर में खाना हो जाएगा, अगर जाति का आदमी जीत जाएगा तो जो वेतन मिलेगा एमपी एमएलए का क्या तुम्हारे खाते में डालेगा, अपनी बीवी को देगा, अगर तुम्हारी जाति के नेता को तुम्हारी चिंता नहीं है तो तुम अपने जाति के नेता की चिंता क्यों करो, वो तुम्हें मुर्गा समझ रहा बैल बकरा इससे ज्यादा तुम्हें मानते ही, अब तुम भगवान माने बैठे हो राजा, अगर मुसलमान मुसलमान को वोट देगा और हिंदू हिंदू को वोट देगा तो मुर्गा बने रहोगे बकरा बने रहोगे मार दिए जाओगे बचोगे नहीं। दुनिया तब सुधरेगी जब मुसलमान हिंदू को वोट देने की कसम खाएगा और हिंदू मुसलमान को वोट देने की कसम खाएगा, तब जाकर दुनिया में क्रांति होगी। कहते हैं हमारे धर्म का आदमी हार जाएगा तो दूसरे धर्म को लोग हमें जीने नहीं देंगे, मुसलमान कहते हैं मुसलमान को लोग मिलने चाहिए नहीं तो हिंदू जीने नहीं देंगे, पागल हो, इतने दिन से हिंदू है 57 साल से तुम्हें मार डालेगा, अगर मार डाले हो तो तुम जिंदा कैसे हो, झूठ फर्जी, कौन सा हिंदू मार रहा मुसलमान को और कौन मुसलमान हिंदू को मार रहा, सब झूठ खाली डर मारा गया झूठी बात, हिंदू मुसलमान को मार डालेगा मुसलमान हिंदू को मार डालेगा तो पुलिस क्या करेगी, थाने क्या करेंगे, सेना क्या करेगी, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री क्या करेगा, प्रधानमंत्री क्या करेगा, उनको भी फांसी लेगी, अगर हिंदू ने मुसलमान को मार दिया, अगर मुसलमान ने हिंदू को मार दिया तो मुख्यमंत्री भी बचने वाला नहीं है। आज देख लो ममता बनर्जी यहां 8 आदमी मारे गए हैं, ममता बनर्जी के सांस ऊपर नीचे कर रहे, मुख्यमंत्री रहेगी कि नहीं रहेगी कि नहीं रहेगी, अगर आसाम में हिंदू ने मुसलमान को मार दिया मुसलमान ने हिंदू को मार दिया तो हमारा मुख्यमंत्री आसाम का उसकी कुर्सी डलमगा जाए, कोई कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए
फिर कुछ लोग कहेंगे कि हम तो वोट दे देते अगर टिकट हमारी जाति को मिला होता, अगर टिकट हमारे धर्म को मिला होता। बोलो लोग कहेंगे हम तो वोट देते अगर पार्टी ने बोलो को टिकट दिया होता। तो यही बात मुसलमान है, वोट तो देते हैं वोटर्स पार्टी को अगर टिकट मुसलमान को मिलता। फिर यही बात रावा है, रावा कह रहा हम भी वोट तो देते लेकिन टिकट अगर राधा को मिलता। यही बात आसामी कहेगा, कहेगा टिकट आसामी को मिलता तो हम देते। आदिवासी यही बात कहेगा, अगर आदिवासी को टिकट मिलता तो हम देते। ये बताओ एक ही पार्टी है, एक ही टिकट है, किसको किसको दिया जाएगा, किसको दिया जाए, एक एक वोट दिया जाएगा। आप अपनी जिंदगी के लिए वोट दे रहे हो, अपनी जाति के किसके लिए वोट दे रहे हो। आप कहते हैं मेरे पेट में बीमारी हो गई, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, लेकिन मैं तो पेट में ऑपरेशन कराऊंगा नहीं, अगर मेरी जाति का आदमी आता ऑपरेशन करता तब मैं करा देता। चूंकि मेरी जाति का डॉक्टर नहीं है, मेरे धर्म का डॉक्टर नहीं है, इसलिए मैं ऑपरेशन कराऊंगा नहीं, और यही कैंसर बन के सड़ जाएगा, पेट फट जाएगा और मर जाएगा, लेकिन दूसरी जाति से ऑपरेशन नहीं कराएगा, दूसरे धर्म के आदमी से ऑपरेशन नहीं कराएंगे, मर जाएंगे, पेट फट जाएगा। तुम्हारे जाति के आदमी को टिकट मिलेगा तब तुम वोट दोगे, तो पागल हो, पागल अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हो, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हो। अगर आदमी बीमार हो गया तो इलाज डॉक्टर ढूंढता है, ये नहीं कहता मेरी जाति का डॉक्टर हो, वो कहता है काबिल डॉक्टर हो, योग्य डॉक्टर हो, कॉम्पिटेंट डॉक्टर हो, जो रोग को ठीक करे, हमारी जाति का हो चाहे नहीं हो। ये जो पार्टी है, ये जो प्रत्याशी है, योग्य होना चाहिए, हमारी जाति का नहीं होना चाहिए। वो तो डॉक्टर है, इलाज करने वाला होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए कि चुनाव जीतने के बाद बिक न जाए, डर न जाए, भाग न जाए, खड़े रहने वाला आदमी चाहिए, तुम्हारी जाति का नहीं चाहिए। अगर तुम सोचते हो मेरी जाति का आदमी इलेक्शन में टिकट पाएगा तब हम वोट देंगे, तो तुम अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। ऐसा करके तुम ये कह रहे हो कि मैं इलाज तभी कराऊंगा जब मेरा जाति का डॉक्टर आएगा, मेरे धर्म का डॉक्टर आएगा, तब तो तुम मरोगे, तब तुम्हारा इलाज होगा नहीं, मरोगे। कुछ लोग कहते हैं जी हम तो पार्टी को वोट देते जरूर, लेकिन जो प्रत्याशी को टिकट मिला हमारे एरिया में नहीं या दूसरे एरिया में, डॉक्टर से हम इलाज तो कराते लेकिन मेरे एरिया का उदाहरण भी डॉक्टर नहीं है। वो कहां का डॉक्टर है, गुवाहाटी का। हम मान उदाहरण भी डॉक्टर ही ना हो तो मर जाओ, गुवाहाटी के डॉक्टर से इलाज नहीं कराओ, दिल्ली के डॉक्टर से इलाज नहीं कराओ, मर जाओ। मरना पसंद है लेकिन दिल्ली के, कलकत्ता के और गुवाहाटी के डॉक्टर से इलाज कराना मंजूर नहीं है।